कीटो और इनोल में मोस्टली जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से जनरली, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस है जहां पर इनोल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनमें से मेन केस एक ये है जिसमें भी इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो वहां पे इनोल फॉर्म जो होती है वो कीटो फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल होती है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो है ठीक है, ये एक इनोल फॉर्म है, ठीक है, डबल बॉन्ड और OH लगा हुआ है। इस इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने, ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इसके केस में, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बने तो ज्यादातर इनोल फॉर्म जो होती है वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है।